नमस्कार, वीके न्यूज के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर जिले में फिर हुआ कोरोना ब्लास्ट। वर्ष 2021 के अंतिम दिन शुक्रवार को मिले 90 कोरोना पॉजिटिव मरीज। प्रशासन ने कसी कमर। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर जिलाधिकारी ने फिर जारी किए नए प्रतिबंध। अब 50 लोगों की उपस्थिति में ही होंगे विवाह अन्य कार्यक्रम तथा अंतिम संस्कार में रहेंगे सिर्फ 20 लोग। और नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से देश की पहली मौत हुई महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में, तो दूसरी मौत राजस्थान के उदयपुर में हुई। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर में साल के अंतिम दिन यानी 31 को कोरोना का विस्फोट हुआ है। शुक्रवार को नागपुर जिले में संक्रमितों का चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। जिले में 90 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देश समेत महाराष्ट्र राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। साल 2021 के अंतिम दिन नागपुर जिले में भी चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। जिले में शुक्रवार को 90 लोग संक्रमित पाए गए, जिससे प्रशासन में खलबली मची है। वहीं 24 दिसंबर से ही कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 24 दिसंबर को जिले में 12 संक्रमित मिले थे। वहीं 25 दिसंबर को 24, 26 दिसंबर को 32, 27 दिसंबर को 12, 28 दिसंबर को 44, 29 दिसंबर को 27, 30 दिसंबर को 28 संक्रमित सामने आए थे। और साल के अंतिम दिन 90 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से 81 लोग शहर के और 8 ग्रामीण के और 1 जिले के बाहर का है। संक्रमितों की संख्या बढ़ने से मनपा प्रशासन में खलबली मची है। कोरोना के आंकड़े बढ़ने से पहले ही प्रशासन ने 31 दिसंबर और न्यू ईयर की पार्टियों पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही 12 बजे तक ही होटल रेस्टोरेंट शुरू करने की अनुमति है। पहले से ही प्रशासन द्वारा कोविड नियमों का पालन करने का आह्वान प्रशासन द्वारा किया गया है। नागपुर जिला प्रशासन ने कोरोना का बढ़ता संक्रमण देखते हुए शादी समारोह सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत ही कार्यक्रम करने होंगे, अन्यथा जुर्माना वसूला जाएगा। देश समेत राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते नागपुर जिला प्रशासन ने विवाह समारोह, राजकीय, धार्मिक, शासकीय कार्यक्रमों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब विवाह समारोह में केवल 50 लोगों की अनुमति रहेगी। वहीं राजकीय, धार्मिक, शासकीय, सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए भी 50 लोगों की अनुमति है। साथ ही अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग शामिल हो पाएंगे। जिन्होंने इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, उन्हें जुर्माना भरना होगा। देश में ओमिक्रॉन से महाराष्ट्र में पहली मौत हुई। पिंपरी चिंचवड़ में नाइजीरिया से लौटा 52 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला था, जिसकी ओमिक्रॉन से मौत हो गई। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच देश में पहली मौत पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ में हुई है। मृत हुए शख्स की उम्र 52 साल थी और वह 2 सप्ताह पहले नाइजीरिया से लौटा था। उसका कोविड टेस्ट भी करवाया गया था, लेकिन रिपोर्ट निगेटिव थी। 28 दिसंबर को उसे हार्ट अटैक आया और उसे नगर निगम के यशवंतराव चौहान अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद संदेह के आधार पर उसके सैंपल्स ओमिक्रॉन जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे गए और इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया कि यह संयोग है कि मरने वाले के सैंपल्स की रिपोर्ट में ओमिक्रॉन संक्रमण मिला है। उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है और उसे डायबिटीज भी था। महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि उसकी मौत नॉन कोविड कारणों से हुई है। एनआईवी की ओर से दी गई 198 पॉजिटिव रिपोर्ट में से 30 लोग विदेश से यात्रा कर मुंबई या प्रदेश के अन्य हिस्सों में पहुंचने वाले लोग हैं। सबसे अधिक मुंबई में ओमिक्रॉन का मामला सामने आया है। यहां पर रिकॉर्ड 190 लोगों में ओमिक्रॉन इन्फेक्शन पाया गया है। वहीं ठाणे नगर निगम से 4 लोगों के ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने की रिपोर्ट है। वहीं सातारा, नांदेड़ और पुणे नगर निगम से 1-1 और पीसीएमसी से 1 व्यक्ति के ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने की सूचना है। राजस्थान के उदयपुर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए 73 साल के बुजुर्ग की शुक्रवार को मौत हो गई। संभवतः यह देश में इस वेरिएंट से दूसरी मौत है। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि मौत पोस्ट कोविड निमोनिया से हुई है। मृत बुजुर्ग की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। 21 और 22 दिसंबर को जांच में ये निगेटिव भी हो गए थे। 25 दिसंबर को उनकी रिपोर्ट में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने की पुष्टि हुई थी।
डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने कहा कि उन्हें डायबिटीज और हाइपरटेंशन और हाइपोथायरॉयडिज्म था। ऐसे में शरीर पर वायरस असर डालता है, साथ ही अगर डायबिटीज जैसी बीमारी हो तो रिस्क काफी बढ़ जाता है। राजस्थान में ओमिक्रॉन के अब तक 69 मरीज मिल चुके हैं, इनमें से 47 रिकवर हो चुके हैं और 22 का इलाज जारी है। ओमिक्रॉन संक्रमितों के मामले में राजस्थान देश में 5वें नंबर पर है। उदयपुर में ओमिक्रॉन के अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। 27 दिसंबर को उदयपुर में ओमिक्रॉन का नया केस सामने आया था। इससे पहले 25 दिसंबर को 3 मामले उदयपुर में सामने आए थे। इसमें पति पत्नी और एक 68 वर्षीय महिला ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई थी, जबकि 73 वर्षीय बुजुर्ग ओमिक्रॉन पॉजिटिव आने वाले चौथे व्यक्ति थे। उदयपुर MB अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर RL सुमन ने बताया कि बुजुर्ग का इलाज उनके ही अस्पताल में हो रहा था। 15 दिसंबर को उन्हें भर्ती किया गया था। पहले से उन्हें डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हाइपोथायरॉयडिज्म था, जिसके चलते वे हाई रिस्क पर थे। इन्हें वही लक्षण थे जो आमतौर पर कोरोना संक्रमित रोगियों को होते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में देश की राजधानी दिल्ली में GST काउंसिल की 46वीं बैठक हुई। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में सस्ते कपड़ों पर GST की दरें 5% से बढ़ाकर 12% करने पर सहमति नहीं बनी है। इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। नए साल में रेडीमेड गारमेंट्स अब महंगे नहीं होंगे। GST काउंसिल फरवरी 2022 में अपनी अगली बैठक में इस मामले की समीक्षा करेगी। इस बैठक में तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी भी संकट से बाहर नहीं आई है, इसलिए कपड़ों पर GST बढ़ाना सही नहीं होगा। GST काउंसिल की 46वीं बैठक में शामिल हुए कई राज्यों के वित्त मंत्री कपड़े और फुटवेयर की इंडस्ट्री GST काउंसिल के सितंबर में लिए गए फैसले के खिलाफ रही है। इस बैठक में 1 जनवरी से कपड़ों और फुटवेयर पर GST रेट को बढ़ाने से ड्यूटी स्ट्रक्चर को सही करने का फैसला किया गया था। अब 1000 रुपये तक के जूतों पर 5% GST लिया जाता है। वही कपड़ों की बात करें तो मैनमेड यानी आदमी द्वारा बनाए गए फाइबर, यार्न और फैब्रिक्स पर GST की दर फिलहाल 18%, 12% और 5% है। कपड़ों पर GST बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल सेक्टर विरोध में है। नवी मुंबई में पुलिस आयुक्त बिपिन कुमार सिंह ने पत्र परिषद लेकर ड्रग्स संबंधित किए गए कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया बड़े पैमाने में ड्रग्स जब्त किया गया है। 31 दिसंबर की पार्टियों के लिए युवकों को MD ड्रग्स बिक्री के लिए आने वाले आरोपियों को नवी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़े पैमाने में ड्रग जब्त किया है। मिली गुप्त जानकारी के आधार पर जाल बिछाकर पुलिस ने आरोपी कलीम खामकर को पनवेल से गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसके साथी जकी पिट्टू वह सुभाष पाटिल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से 2,53,00,000 का 2.5 किलो MD ड्रग्स जब्त किया। सभी आरोपियों ने अलीबाग के पोइनाड़ में MD ड्रग्स बनाने के लिए एक कारखाना बनाया था। नहीं, अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी करीब 2 दिन पहले, क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 जो हमारी है उनके अधिकारियों कर्मचारियों के पास में आई थी। उसके ऊपर हमने उस पर कार्रवाई की और तीन आरोपी उसमें अभी तक गिरफ्तार हुए हैं और उसमें टोटल अभी तक जो है 2.5 किलोग्राम 2.5 kg MD जो मिथाकिलोन है, MD का एक क्लास है, वो उसको सीज किया गया है। उसकी जो कीमत है बाजार में करीब 2.5 करोड़ के आसपास की है और इसमें जो तीन आरोपी हैं
उसमें जो मुख्य आरोपी है वो है कलीम रफी खामकर है, दूसरा है जैकी अफरोज पिटू और तीसरा सुभाष रघुपति पाटिल। तो इसके साथ में फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता लगा जब ये खामकर को पकड़ा कि ये लोग कोयनाड तालुका यहाँ पे है अलीबाग में, वहाँ पे इनकी छोटी सी फैक्ट्री थी, वहाँ बनाते थे और वो फैक्ट्री भी हमने सीज किया है और टोटल अभी तक हमको 2.5 किलोग्राम का ये जो अच्छे क्वालिटी का एमडी मिला हमको। इसके पहले भी शायद उन्होंने बनाया था लेकिन वो अच्छा नहीं बना था तो वो उसको शायद सेल नहीं किए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन अभी ये आज 31 दिसंबर के उपलक्ष्य में आप बोलो इन्फॉर्मेशन तो हमको जब मिला हमने कार्रवाई किया और इसमें शायद ये इनका प्लान था कि कहीं ना कहीं हम इसको सप्लाई करेंगे लोगों को, कस्टमर्स को, तो वो उसके पहले पकड़ लिए गए। काफ़ी अच्छी कामगिरी हमारे यूनिट 3 के माड़ी साहब हैं और हमारे ASTU के इंस्पेक्टर सोनवाने साहब हैं और शेख हैं एंटी नारकोटिक्स के एडिशनल CP महेश घुरे साहब और DCP सुरेश मेंगड़े, SCP वस्त, इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम है। और ये हमारा जो पूरे अगताला का हमारा जो हमारा एक तरह से मिशन है कि हमने इसको ड्रग और गुटखा इस सबसे थोड़ा सा फ्री करना है, जितना कोशिश हो सकता है हम कार्रवाई करते हैं। इसमें हमने बीच में का बहुत सारे लोगों को रिपोर्ट भी किया था जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के हाथों 14 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से आभासी तरीके से कार्यक्रम संपन्न हुआ। शहर के विविध प्रभाग के विकास कार्यों का भूमि पूजन 31 दिसंबर को विभागीय क्रीड़ा संकुल कोराडी रोड मानकापुर से राज्य के ऊर्जा मंत्री और नागपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के हाथों आभासी तरीके से संपन्न हुआ। उत्तर नागपुर के ब्लॉक क्रमांक 13, 14 और 15 में नागपुर जिला नियोजन समिति अंतर्गत सीमेंट रास्ता, संरक्षण दीवार, वाचनालय इमारत, बगीचा सौंदर्यीकरण, गटर लाइन, समाज भवन, ग्रीन जिम, खड़ीकरण आदि कुल 37 विकास कार्यों पर 13,64,00,000 रुपए खर्च होने वाले हैं। वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रिया मुद्दे पर से दिल्ली में आंदोलन करने वाले निवासी डॉक्टर पर पुलिस ने लाठी से हमला किया। इसके विरोध में नागपुर के मेडिकल में निवासी डॉक्टरों ने काम बंद आंदोलन शुरू किया। दिल्ली में निवासी डॉक्टर पर पुलिस ने लाठी से हमला किया। हमला करने वाले डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके खिलाफ नागपुर के सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय में शुक्रवार से निवासी डॉक्टरों ने काम बंद आंदोलन शुरू किया। इमरजेंसी और कोविड वार्ड के अलावा निवासी डॉक्टर अपनी सेवा नहीं देंगे, इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग डॉक्टरों ने की है। मागच्या 6 महिन्यापासून देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये 2/3 मॅनपावरनी आम्ही डॉक्टर रेसिडेंट डॉक्टर काम करतोय, तर त्यासाठी जे ज्युनियर बॅच फर्स्ट इयर बॅच त्यांचं ॲडमिशन प्रोसिजर डिले होते ती त्याचं हिअरिंग डेट त्यांनी 6 जानेवारीला दिलेलं आहे, पण ती मागच्या 2 महिन्यापासून ती डिले होत चाललेली आहे। आम्हाला शक्यतो 6 जानेवारीला त्यांनी हमी द्यावी की 6 जानेवारीला ती फायनल डेट त्यांनी रिलीज करतील, ते शेड्यूलची डेट फायनल रिलीज करतील। त्यानंतर दुसरी मागणी म्हणजे आमचं स्टेट काउन्सिलिंग जी स्टेटची 50% काउन्सिलिंग प्रोसिजर जी असते ती आपल्या स्टेट काउन्सिलिंगनी थोडी फास्ट करायला पाहिजे। त्याचं प्रिरिक्विजिट जे असतं डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन, डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन, या गोष्टी त्यांनी लवकरात लवकर करायला हवा, त्यामध्ये डिले नको। त्यानंतर तिसरी गोष्ट म्हणजे GMC नागपूर आणि IGMCला जसं त्यांच्या लोकल ॲडमिनिस्ट्रेशननी त्यांना नॉन ॲकॅडमिक रेसिडेंट ॲज अ HO म्हणून पोस्ट केलेलं, तर तसंच पूर्ण ऑल ओव्हर महाराष्ट्रामध्ये उरलेल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये पण या गोष्टी या पोस्ट व्हायला पाहिजे, या गोष्टीवर आम्ही स्ट्राईक सुरू करतो। तो आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।